हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं रितु तिवारी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस समर्स के लिए ऐसी 5 चीजें जो आपके स्किन को एकदम चेंज कर देगी, बहुत ही ग्लोइंग बना देगी। ये बहुत ही सस्ती हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगी, उसको प्रिपेयर करने का तरीका जो सबसे इजीएस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बताइएगा अगर आपको उनमें से किसी भी चीज पे स्पेशली कोई वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो चीज है, जैसे कि हम पहली चीज करते हैं वो है फेस वॉश। फेस वॉश के लिए सबसे अच्छा है मुल्तानी मिट्टी। ये ठंडक भी देती है, साथ में इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। आपके जो समर्स में ऑयल आ जाता है, आपके स्किन से ऑयल खत्म कर देगी, बिल्कुल आपके स्किन के पोर्स को क्लीन कर देगी। तो क्या करना है आपको, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, आप ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो, ऑफलाइन तो और भी सस्ता मिलता है। कभी कभी वो पत्थर के रूप में जैसे मिलता है, और कभी कभी पाउडर भी मिल जाता है। पत्थर हो तो आप पीस सकते हो, पाउडर आप ले लीजिए। पाउडर आपको लेना है, क्या करना है, आपके बाथरूम में उस पाउडर को रख लीजिए एयर टाइट जार में। ठीक है, अब उसे क्या करना है, जब भी आपको फेस वॉश करना होता है आप क्या करिए, थोड़ा सा पाउडर लीजिए, उसमें पानी मिलाइए और उसे अच्छे से रब करते हुए अपने स्किन को वॉश कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए आपके स्किन को आप उससे रब कीजिएगा, उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिएगा। आप खुद देखेंगे 4 से 5 दिन में ही आपके स्किन में आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आपको बहुत ही पिंपल्स हो रहे थे, अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयलीनेस लग रही थी, तो वो सब चले जाएगी। हाँ, ड्राई स्किन वाले भी आप भी इसे यूज कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल चीज है जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो आप जब भी फेस वॉश कीजिए, आप मुल्तानी मिट्टी से कीजिए इस समर्स में। आप देखिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरे समर्स में। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। दूसरा है फिटकरी। फिटकरी हम यूज कर सकते हैं एज अ डिओड्रेंट, या फिर आप लड़के आप यूज कर सकते हो आफ्टर शेव की जैसे। वैसे बार्बर्स यूज करते हैं, जैसे ही आपका शेविंग वगैरह होती है क्या होता है, वो एक पत्थर जैसा लेते हैं जो कि गीला करके आपके यहाँ स्किन पे रब कर देते हैं। आपको लगता है कि वाह ये तो चमक आ गई है, जो कट वट लगे हैं वो भी हील हो जाते हैं। साथ में ये आपको बहुत ही फ्रेशनेस देती है, ये अंदर से ठीक कर सकती है आपके स्किन को। आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पिंपल्स को या फिर दाग धब्बों को दूर करने के लिए फिटकरी कैसे यूज करें उस पर एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपने बहुत प्यार भी दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स हैं तो फिटकरी आपकी हेल्प कर सकती है। एज अ डिओड्रेंट आप क्या कीजिए, देखो बहुत ज्यादा महंगे डिओड्रेंट्स और बहुत ज्यादा फैंसी डिओड्रेंट्स हमने एड्स में देखे हैं, ये सब बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि ये आपके स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर देते हैं, जिससे बैक्टीरियाज पनप सकते हैं। ये उनको हील नहीं करते हैं बल्कि उन्हें बंद कर देते हैं। आपको लगता है पसीना नहीं आ रहा है तो बढ़िया है, खुशबू आ रही है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली अपने स्किन को एक ऐसा प्रोडक्ट देना है कि वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को तो अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट करे ही, साथ में आपकी खुद की बॉडी ऑडर को धीरे धीरे से खत्म कर दे। अगर आपके अंडर आर्म्स में से बदबू आती है तो आपको फिटकरी जरूर यूज करनी चाहिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी खुद वो ऑर्डर बनाना बंद कर देगी। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए जो कि दे सकती है फिटकरी। करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि शेव के बाद आफ्टर शेव के जैसे आप इसे यूज कीजिए, और साथ में अंडर आर्म्स में आप इसे यूज कीजिए इस समर में। कैसे, वो जो फिटकरी आती है, फिटकरी को आपको गीला करना है और उसके बाद अंडर आर्म्स में रब करना है। हल्के से जब आप रब करेंगे तो थोड़े ही दिनों में आपकी खुद की बॉडी ऑडर चली जाएगी और आप उसके ऊपर कोई डिओड्रेंट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो फिटकरी इज द बेस्ट। अब आते हैं, हमें अपने समर्स में अपने आप को डिटॉक्स भी रखना है, अपने डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखना है, अंदर से क्लींज होना है। आपने देखा होगा सारे प्रोडक्ट्स में एक चीज इस डिटॉक्स के लिए जरूर होती है, वो होती है नीम। नीम की लीव्स, कम से कम 4 से 5 नीम लीव्स अगर आप रोज सुबह खा लेते हैं
तो आपके डिटॉक्स को कोई रोक नहीं सकता, आपके वेट को सही करने में कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि आपके स्किन को ग्लो करने से कोई रोक नहीं सकता। नीम की लीव्स बहुत पावरफुल होती है, जितने एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी दिस, एंटी ऑल एंटीज आर देयर इन नीम लीव्स। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत कड़वा होता है, लेकिन आप इसे किसी तरह से अपने जूस में, इसमें उसमें इनकॉर्पोरेट करके जरूर 4 से 5 नीम लीव्स दिन की खाइए ही खाइए। इससे अंदर से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। जब अंदर से डिटॉक्स होगी तो ऊपर तो अच्छा दिखना ही है। अच्छा खाओगे तो ही अच्छा दिखोगे, ऐसा बोला गया है। ये ऐसे ही नहीं बोलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीभ पे अच्छा, जीभ पे नहीं, गट पे अच्छा, हमारे लीवर पे अच्छा, हमारी किडनी पे अच्छा, और ये सारे काम करता है नीम लीव्स। तो नीम लीव्स खाना जरूरी है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। समर में नीम लीव्स बहुत आती है, अच्छे से 4-5 ले लीजिए। आप एक अच्छा डिटॉक्स जूस बना सकते हो, या फिर आप जिस तरह से भी खाना चाहें, 2-4 दिन खाएंगे तो हो सकता है आपको टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। अब जैसे भी हो, आपको नीम लीव्स खानी है 4 से 5 रोज। उसके बाद आपको मैं बोलूंगी कि फोर्थ, आप ये ध्यान रखिए कि आप अच्छे से हाइड्रेशन, अगर आपको चाहिए तो आपको एक ऑयल यूज करना पड़ेगा। ये ऑयल रिच इन रेटिनॉल है। हम कितने सारे रेटिनॉल के सीरम आजकल देखते हैं, लेकिन हमारे पास घर में अवेलेबल है उस पर ध्यान नहीं देते। अगर नेचुरली कोई इंग्रेडिएंट है जो कि रेटिनॉल रिच है, विटामिन ई रिच है, वो है एलमंड ऑयल। आप कहेंगे गर्मियों में ऑयल लगाना, नहीं, थोड़ा कम लगा लीजिए, बट हमेशा फेस वॉश के बाद में या नहाने के बाद अगर आप एलमंड ऑयल लगा लेते हैं तो उससे अच्छा और कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, उससे अच्छा और कोई रेटिनॉल सीरम नहीं है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। हल्का लीजिए, मतलब 1-2 बूंद लीजिए, बट बस मॉइस्चराइजर तो करना है, हमें बहुत सारा नहीं लेना है, जिससे ऐसा ना हो कि हमारे जो पोर्स है वो ऑलरेडी ऑयल से बंद हो जाए। नहीं, हमें थोड़ा कम लेना है, 1-2 बूंद से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना है। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप इसे 1 महीना यूज कर लीजिए, आप खुद मुझे थैंक्स बोलेंगे कि ओ, हमारे सारे प्रोडक्ट्स लाने बंद हो गए, आपके सारे खर्चे बंद हो जाएंगे, आपको कुछ लाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये चीजें कर लीजिए, ये पूरा समर आपके स्किन को हेल्दी बना देगा, आपके स्किन को बहुत ही रेडिएंट बना देगा। तो ये आप जरूर यूज कीजिए एज अ मॉइस्चराइजर। और लास्ट में फेस पैक बताए बिना अगर मैं चली गई तो बिल्कुल ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा है, जो कि एक स्क्रब की तरफ भी काम करता है और साथ में फेस पैक अगर आपने इस तरह से बना लिया जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप इसे 7 दिन में एक बार यूज करिए, बट इसके बाद आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। आज मैंने ये जो 5 चीजें आपको बताई है ना, पूरा समर आप इसे अगर कर लेते हैं, वैसे तो आपको 5-7 दिन में ही फर्क पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी समर स्पेशल है, आप समर्स में अगर ये कर लेते हैं आपका समर बहुत ही अच्छा निकल जाएगा, कट जाएगा। गर्मियों का तो कुछ कर नहीं सकते, पर स्किन का जरूर कर सकते हैं। उसके लिए अब जैसे ये मैं बता रही हूँ, 5वीं चीज है बेसन। बेसन में नेचुरली क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये स्क्रब की तरह काम करता है, तो आपके जो डेड स्किन सेल को भी निकाल जाता है, साथ में इम्प्योरिटीज भी निकाल देता है। अब इसे लगाना कैसे, अब क्या करिए, आप बेसन 1 चम्मच लीजिए, उसमें 1 पिंच हल्दी डाल दीजिए, रोज वाटर से आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए, कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसे अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए। रोज वाटर से भी बहुत अच्छा होता है दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ में स्किन वाइटनिंग के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप ये क्या करेंगे, दही लेंगे, हल्दी लेंगे और बेसन लेंगे। दही आपको सूट नहीं करता है तो रोज वाटर लेंगे, इसका एक पेस्ट बनाएंगे और 7 दिन में एक बार जरूर जरूर लगाएंगे, 15 से 20 मिनट के लिए तो जरूर ही लगाना है, या फिर इसे आधा सूखने तक इसे रख सकते हो। बहुत ही अच्छा फेस पैक है। और इसी के साथ में ये समर स्पेशल वीडियो तो खत्म होता है। आपको मिल गई है वो 5 चीजें जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके इस पूरे समर में, बहुत ही अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी जब ये ट्राई करेंगे। आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स भी इसका लाभ उठा सके। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूर आपको इस वीडियो से कोई ना कोई जानकारी तो अवश्य मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।